प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार ऋषभ जैन को सौंपा ज्ञापन। अवैध रूप से अन्य राज्यों से धान लाकर बिचौलियों द्वारा किसान सेवा केंद्र में एकत्रित किया जा रहा है, जिसमें आरोप लगाया जा रहा है सत्ता पक्ष बीजेपी के लोग शामिल है, जिस कारण प्रशासन द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। न्याय उचित कार्यवाही के आदेश शीघ्र न होने पर लघु किसानों का शोषण निश्चित है। अंतर्गत मझगवा धनगवा जो जबलपुर जिले का हिस्सा है, वहाँ की मंडियों में भाजपा के जो सांसद प्रतिनिधि हैं असाटी जी, उनके माध्यम से या उनकी साठगांठ से पंजाब और हरियाणा के जो अनाज हैं वहाँ पे उसकी बोरियाँ पाई गई। यहाँ का जो किसान है उसकी अनाज की खरीदी नहीं हो रही। अब वो कैसे हो रहा है, क्या कर रहे हैं, उसमें उनको क्या लाभ हो रहा है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। अगर भाजपा सांसद जबलपुर का प्रतिनिधि हरियाणा और पंजाब का अनाज लाके यहाँ की मंडियों में बेचेगा तो यहाँ का किसान कहाँ जाएगा? तो ये बहुत ही गंभीर और किसानों पर अत्याचार करने वाली बात है।